प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा, यानी कि आप अगर किसी प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान राम का नाम लेकर आप प्रवेश करें। और अब भगवान राम को अपनी जमीन मिल गई है, अयोध्या। आप अयोध्या भी नहीं कहिए, अयोध्या जी कहिए। पुराणों में या जिन्होंने किताब लिखी, अयोध्या पे रिसर्च किया, वो अयोध्या जी ही लिखते हैं। उनके लिए अयोध्या अपने आप में भगवान है। और अब इस भगवान को जगह दे दी गई है, भगवान श्री राम को जगह मिल गई है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, अयोध्या की पूरी कहानी इस वीडियो में आप मेरे साथ देखिए। अयोध्या की आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इतिहास के पन्ने में ले चले। आप उन इतिहास के पन्नों को भी पलटिए और जानिए। अयोध्या, जिसे आप खुली आंखों से देखें या बंद पलकों से, भगवान राम आपको उसके कण कण में दिखेंगे। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। राम के अवतार वाली मेरी कहानी युगों पुरानी है। खुद मनु ने मेरा निर्माण किया था। रघुवंशी राजाओं की मैं राजधानी थी। महाभारत के समय में भी अयोध्या में दीर्घ यज्ञ नामक राजा ने मुझ पर राज किया, जिसे बाद में भीमसेन ने जीता। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। मैं पहले बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी, जिसका प्रमाण आज भी मिल जाएगा। फाहियान ने भी शाचेन में मेरा जिक्र किया। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक शिलालेख अभी तक मैंने संभाल कर रखा, जिसमें उसे सेनापति कहा गया और उसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञों के भी किए जाने का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर मध्यकाल में काफी समय तक मैं गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया। मैं अयोध्या भारत की 7 मोक्षदायिका पुरियों में से एक थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। युग बदल गया था। तो मेरी परिणति भी बदलने वाली थी। देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसे घाव दिए जिसकी चीज हर वक्त आती रहेगी। मुझे रौंदा जा रहा था। जहां भगवान राम ने जन्म लिया, उस पावन धरा पर बाबर के सेनापति मीर बाकी मस्जिद बनवा रहा था। 500 साल पहले मुझे मेरे राम से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। अब मुस्लिम शासक मेरा नाम तक बदल रहे थे। मेरी धरती पर कभी भगवान राम ने राज किया, आज उसकी नियति बंगाल के शासकों के हाथ में थी। सरयू का किनारा और लखनऊ से नजदीकी इस शहर को खास बनाती है। इस शहर का एक तरीके से यूं कहे कि उद्गम तब हुआ जब नवाबों का शासन चरम पर था। सबसे पहले अली वर्दी खान, जो बंगाल के शासक हुए, उन्होंने इस शहर की नींव रखी। इसके बाद फिर फैजाबाद की नींव रखी सादत खान। फिर शुजाउद्दौला खान ने इस शहर को अवध की राजधानी बना दिया और यहाँ से अयोध्या फैजाबाद हो गया। मैं अयोध्या अब नहीं रह गई थी। अब नया नामकरण था मेरा, मुझे फैजाबाद कहा जा रहा था, लेकिन हिंदुओं के दिलों में मैं अयोध्या ही थी,
लखनऊ से महज मेरी दूरी 130 किलोमीटर ही तो थी। साथ ही बंगाल से आते जाते वक्त मैं रास्ते में ही थी, इसलिए मुझ पर खास नजर थी। शुजाउद्दौला का शासनकाल फैजाबाद के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। उस दौरान फैजाबाद ने जो समृद्धि हासिल की वैसी दोबारा नहीं कर सका। उस दौर में यहां कई इमारतों का निर्माण हुआ जिनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। 1775 में नवाब असफाउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर ली। इसके बाद ये अपनी रंगत खोने लगा और मुझे इंतजार रह गया फिर से अपने नाम का। यह इंतजार इतना लंबा हो गया कि सदियां बीत गई, लेकिन फिर एक आंदोलन ने मुझे मेरा नाम लौटा दिया। राम मंदिर आंदोलन ने अयोध्या को विश्व पटल पर ला दिया। समय ऐसा भी आया कि अयोध्या के नाम के आगे फैजाबाद का नाम फीका पड़ने लगा, लेकिन जितनी भी सरकारें रही किसी ने भी राम की नगरी अयोध्या की ओर ध्यान नहीं दिया और अयोध्या उपेक्षा का शिकार होती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट का वह स्वर्णिम फैसला आया जिसने राम की नगरी अयोध्या का स्वर्णकाल लौटा दिया। राम मंदिर आंदोलन आज का नहीं है। जिस राम की वजह से मैं अयोध्या हूं, उसी राम लला की जमीन को बचाने के लिए 1528 से लेकर 1949 तक हिंदू समाज ने 77 से अधिक युद्ध किए, जिनमें 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया। इतना ही नहीं, जब बाबर का सेनापति मीर बांकी मेरी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था, तब भी एक दिन या दो दिन में मैं नहीं मिटी। इसे मिटाने में महीनों लग गए। इतिहासकार कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक में लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बांकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। साल दर साल मंदिर के लिए मुगलों की सेना से युद्ध चलता रहा, लेकिन राम मंदिर का वजूद हर बार मिटता रहा। कहा तो ये भी जाता है कि अकबर से लेकर शाहजहां के शासनकाल में बिरबल और टोडर मल के कहने पर खस की टाट से राम जन्मभूमि के चबूतरे पर एक 3 फीट का छोटा मंदिर बनवा दिया गया, जिससे रक्तपात थोड़े समय के लिए रुक गया। लेकिन इसके बाद औरंगजेब के भयंकर दमन चक्र के नीति को मेरी धरती पर राम कहां मंजूर थे। 10 बार मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया। हिंदू लगातार राम जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए मुगलों से लड़ रहे थे, लेकिन विशाल सेना के आगे साधुओं की सेना टिक नहीं पा रही थी। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने फिर लिखा है, नवाब वाजिद अली शाह के समय में हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार की कोशिश की, फिर भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिनों तक दिन रात युद्ध के बाद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने फिर मंदिर बनवाया, राम लला को विराजमान किया गया, लेकिन मुगलों ने फिर इस पर अधिकार कर लिया और मुझे मेरे राम से दूर कर दिया। फिर साल आया 1853, जब हिंदुओं ने यह आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहले हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को ये बात कबूल नहीं हुई। इस विरोध ने 18 मार्च 1858 में कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। मैं 1800 कुछ ईस्वी की बात घटना बता रहा हूँ कि जब अंग्रेज का शासनकाल था, निर्मोही अखाड़े के श्री महंत जो महाराज जी थे उन्होंने और मस्जिद के जो मुतलबी था उन दोनों लोगों ने एक बैठक किया साधु संतों में और मुसलमानों में कि यहाँ पूर्व में भी कोई किसी प्रकार का मुसलमान यहाँ पूजा में नहीं आता था, ना मुसलमान वहाँ उपस्थित होते थे। इसके नाते
क्यों ना इस जगह को मुक्त कर दिया जाए और हिंदुओं को दे दिया जाए, ये बात विवाद ही खत्म हो जाए। लेकिन अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि सुलह हो, वो तो आपस में लड़ाने का काम तो करते ही थे। फिर भी उन्होंने वहीं पास में ही, वहाँ नलनील टीला है, वहाँ पर वहाँ के मुतलबी को, महाराज जी को वहाँ पर फांसी चढ़ा दिया। पहले ये इमली का बाग हुआ करता था, वहाँ इमली का पेड़ था, वहाँ पर उन्होंने फांसी दे दिया। इसके बाद आया साल 1859, जब ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी, लेकिन मुसलमानों ने यहां नमाज नहीं पढ़ा। मैं अयोध्या अभी भी राम राज्य के लिए लड़ रही थी, अपने राम लला के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद 19 जनवरी 1885 को मेरे राम को अपनी जगह दिलाने के लिए महंत रघुबीर दास की मदद से फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रामलला की जमीन का मामला रखा गया। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान प्रभु श्री राम का है। इसके बाद बस लंबा इंतजार चल रहा था, देश आजादी देख रहा था। मुझ अयोध्या को इंतजार था राम लला के आजाद होने का। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया, जबकि हिंदुओं को राम लला के दर्शन के लिए एक जगह से प्रवेश मिलता रहा। इसके ठीक 2 साल बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मिली। कहते हैं कि हिंदुओं ने यह मूर्तियां रखवाई थी, मुसलमानों ने विरोध किया, अदालत में मुकदमा दायर हो गया, सरकार ने विवादित स्थल मानकर फिर ताला लगा दिया। मैं अयोध्या अभी भी अपने राम का इंतजार कर रही थी कि राम ताले से मुक्त हो सके। 1984 में राम लला को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की। इसके बाद 1986 में जिला मैजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोल दिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज किया और इसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को मैंने वो शाम भी देखी जब मेरी धरती को लाशों से पाट दिया गया। हजारों राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों की जान चली गई। हालांकि अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव को भी इस्तीफा देना पड़ा। मुझ अयोध्या को तो अभी बहुत कुछ देखना था मुझे उस परिणति को, जिसकी वजह से एक तारीख अमर हो गई। सब कुछ मैं अयोध्या सहन कर रही थी, क्योंकि विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे राम को इंसाफ जरूर मिलेगा। राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को फिर जुटे और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा और उसी जगह रामशिला की स्थापना कर दी। 1527-28 में मंदिर तोड़ा गया और 1992 में मस्जिद जमींदोज हो गई। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी, जिसे बस तारीख मिल रही थी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। खुदाई सर्वे, रडार सर्वे राम के होने का सबूत मुझसे मांग रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी, सरयू किनारे जहां देखो वहीं राम ही तो हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया। 30 सितंबर को सुनाए गए इस फैसले में लिखा गया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड,
निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया गया। इस फैसले को चुनौती दी गई। फिर मेरे राम के लिए सर्वोच्च अदालत बैठी। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम राज्य ला दिया। फैसला साफ साफ था कि अयोध्या भगवान श्री राम का है। विवादित स्थल राम की है और यह फैसला सर्वसम्मति का था और सर्वसम्मति ने यह मान लिया कि विवादित जमीन पर रामलला का हक था। लेकिन मुझ अयोध्या को अभी भी मेरा नाम नहीं मिला था। मैं तो फैजाबाद हो गई थी। राम तो आए लेकिन मेरा नाम नहीं आया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके पहले से भारत के साधु संत लगातार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके पहले की सरकार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए थी। योगी आदित्यनाथ को सरकार बनाए हुए एक ही साल हुए और उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। यहां से साधु संतों को यह लगने लगा कि अब फिर से राम राज्य आने वाला है। मुझे मेरा नाम मिल गया और मेरे राम भी मिल गए। मैं घाटों घंटों और मंदिरों की नगरी हूँ। अब सज रही हूँ अपने राम के लिए। घाटों से लेकर मंदिरों तक, राम से लेकर हनुमान तक, सब भव्य। मैं श्री राम की अयोध्या हूँ तो फिर मैं कैसे मिट जाती। हाँ, वक्त के साथ उतार चढ़ाव जरूर देखे, लेकिन अब वर्तमान मेरा सुशोभित है मेरे नाम के साथ, जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।